हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। तो गाइस, कैसे हो आप सब? तो मैं आप लोगों के लिए आया हूँ एक मैच कवर करने, जो कि खेला जाएगा अमेरिकन चैंपियनशिप्स लीग का, और ये होने वाला है गाइस सीएफ अमेरिका वर्सेस स्कॉटलैंड के बीच 7:35 के बाद। तो ये मैच थोड़ा सा बहुत ईजी मैच है, अच्छा मैच लग रहा है, बट मैं इसकी टीम आपको सुबह फाइनल पोस्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि जैसे बहुत जल्दी मैच होने वाला है, तो इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद मिलेगी मेरे इस चैनल पर, जिसका नाम है एबी रॉक्स ड्रीम इलेवन टीम्स। अगर भाई हो सका तो इसकी टीम मैं आपको ओपन दूंगा, बाकी दोस्तों देखते हैं, और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलते दोस्तों आगे, बात करूँ अगर मैं इस मैच की, तो अमेरिका वर्सेस स्कॉटलैंड ट्राइम्बर्स, तो इस मैच के अंदर मैंने सिंगल साइडेड टीम बनाई है, बिकॉज यहाँ पे एएमई टीम हर वक्त स्ट्रांग रहती है। तो बात करूँगा सबसे पहले गोल कीपर की, तो यहाँ से लूँगा जेफ एंटनी लाइना को, जो कि गाइस इस प्लेयर ने प्रीवियस मैच में इसी टीम के खिलाफ ज़बरदस्त गोल कीपिंग की थी। क्लीन शीट तो नहीं लगी, लेकिन 5 गोल इसने सेव किए थे और 1 गोल कंसीडेड करवाया था। आगे से बात करूँगा इस डिफेंडर की, तो बी वेल्डिस को यहाँ से लेने वाला हूँ। ब्रूनो वेल्डिस ने प्रीवियस मैच के अंदर ओपोनेंट टीम से 1 गोल खाया था, और दोनों टीम का स्कोर 1-1 था, मतलब दोनों टीम्स ने 1-1 गोल एक दूसरे को किया था। तो गाइस अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट डिफेंडर की, वो है एल फ्यूंटेस। तो एल फ्यूंटेस ने भी बहुत ज़बरदस्त काम किया था, मतलब प्रीवियस मैच के अंदर, लेकिन ड्रीम टीम में नाम नहीं आया, क्योंकि बेचारे को मूवमेंट पे मीडियम मूवमेंट के अंदर इस प्लेयर को एक मिल गया था येलो कार्ड, तो जो कि यार बेचारे के लिए काफ़ी मतलब बेकार कहानी थी। आगे से बात करूँ नेक्स्ट प्लेयर की, इसका नाम है सेबेस्टियन कैक्रेस को बिल्कुल मत निकालना, भले ये पॉइंट्स आपको अचीव करवाए या ना, क्योंकि ये प्लेयर तो बहुत ही ज़्यादा मेन है। सिलेक्शन आज के मैच में इसकी एवरेज है। और जे सेंचेस की बात करूँ तो यहाँ पर मैं लूँगा जॉर्ज सेंचेस को, इसका भी गोल तो नहीं है, मतलब गोल तो नहीं कर सकता, लेकिन फोर्थ डिफेंडर है तो असिस्ट करने की बहुत उम्मीद है। आगे से बात करूँ गाइस मिडफील्डर की, तो पी ए क्यूनो की बात करूँ तो गाइस इसका रिकॉर्ड तो बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप इसका रिकॉर्ड चेक करोगे तो इसका नाम वैसे आपको लिखेगा ए पेड्रो, लेकिन इसमें पूरा नाम आता है ड्रीम इलेवन में पेड्रो एक्यूनो। और ये प्लेयर ने प्रीवियस मैच के अंदर भी गोल करने की कोशिश की थी, बट हुआ नहीं था, ओपोनेंट टीम ने गोल कीपर ने सेव कर लिया था। तो पी एक्यूनो के गोल के चांसेस 80% रहते हैं हर मैच के अंदर। आगे से बात करूँ नेक्स्ट प्लेयर की, नाम है एल्वारो फिटलेगो। ये तो यार देखो, ड्रॉप करना है कर लो, इतना खास प्लेयर है नहीं। एक्चुअली मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये 90 मिनट पूरा खेलता है, तो थोड़ा रिस्क रहता है। डी वेलरी की बात करूँ तो वेलरी भी इतना कुछ खास प्लेयर है नहीं, ये ना कॉमन प्लेयर है, इनको निकालोगे तो लॉस कराएंगे, नहीं निकालोगे तो भी मतलब प्रॉफिट नहीं करवा सकते, मतलब ये प्लेयर होते हैं कॉमन। अब रेयर प्लेयर की बात करूँ तो ये रहा आपका रेयर प्लेयर, इसका नाम है डैरन एस्पिरिला। ये प्लेयर को मैंने एज अ राइट हैंड साइड मिडफील्डर सिर्फ असिस्ट के लिए लिया, क्योंकि एस ब्लैंको नहीं खेल रहा। एस ब्लैंको खेलता तो मैं इसके साथ जाता, अगर ये खेलेगा देन गो विद दिस प्लेयर, और अगर कोई प्लेयर नहीं खेलता तो अपनी तरफ से चेंज कर लेना। ये ना हो मुझे बाद में ब्लेम करो कि ये खेल नहीं रहा था, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि अभी ये टीम बनी है स्क्वाड से, नॉट फ्रॉम लाइनअप्स। लाइनअप्स लास्ट मोमेंट पर आती है। बात करूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड की, आर मार्टिनेज द पावर ऑफ द टीम, हर मैच के अंदर गोल करने के 80-90% चांस। और वाई चारा की बात करूँ, वाई चारा की जगह ट्राई कर सकते हो एफ मोरा को। एफ मोरा ने प्रीवियस मैच के अंदर अमेरिका को गोल मारा था इसी टीम को, तो यार मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। अगर सेव जाना है देन गो विद चारा, रिस्क लेना है देन गो विद एफ मोरा। तो मैं रिस्क लूँगा नहीं, सेव जाऊँगा। आगे से बात करूँ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की, कैप्टन एक आर मार्टिनेज एंड वाइस कैप्टन पी एक्यूनो। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि इस बार पीटी टीम गोल नहीं कर पाएगी। एएमई को सारा राज पता है, मतलब राज मतलब सारे सबकी कमियां पता है प्लेयर्स की। तो गाइस मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय।